पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल। यह स्थल राजघाट पुल समाप्त होते ही ठीक दाईं ओर स्थित है। आपको बता दें कि जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को संभाल कर रखने के लिए वाराणसी और चंदौली के बॉर्डर पर स्थित पड़ाव इलाके में गन्ना शोध संस्थान परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संग्रहालय और उद्यान केंद्र बना है। नमस्कार, हम आ गए हैं पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल। दोस्तों, अंदर जाने के लिए सुबह 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और ₹20 का शुल्क टिकट लेकर आप अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, दीवार पर पंडित जी का जन्म और मृत्यु का सन लिखा हुआ है। इनका जन्म सन 1916 और मृत्यु 1968 में हुआ था। यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी की 63 फीट की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 57 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसका उद्घाटन 25 सितंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के द्वारा हुआ था। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 5 धातुओं से बनी 63 फीट ऊंची प्रतिमा करीब 6.5 करोड़ रुपए में जयपुर में तैयार हुई है। प्रतिमा को कई टुकड़े में 22 फीट चौड़े ट्रेलर पर लादकर जयपुर से वाराणसी लाया गया। दोस्तों, दीवारों पर पंडित जी की स्मृतियों को संजोया गया है। उद्यान काफी सुंदर बनाया गया है, यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। दोस्तों, सामने आप पंडित जी की प्रतिमा को देख रहे होंगे। प्रतिमा के सामने ही एक जलाशय बनाया गया है जो कि प्रतिमा को और सुंदर बनाता है। उद्यान के ठीक पीछे रेलवे लाइन है जहां से ट्रेनों का आवागमन होता है। गौरतलब है कि पंडित जी का 11 फरवरी 1968 को उनकी रहस्यमय मौत मुगलसराय रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर हुई थी, जिसे अब पंडित दीनदयाल जंक्शन कर दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को पसंद आने पर आप अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, आगे आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध होने वाली है। दोस्तों, सामने आप देख रहे होंगे जहां पर हम चल रहे हैं, यह एक एम्पीथिएटर छोटा सा ग्राउंड बनाया गया है जहां पर प्रोग्राम कार्यक्रम वगैरह किए जाते हैं। यहां चारों ओर बैठने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और बीच में एक मार्बल की प्लेटफॉर्म बनाई गई है जिस पर खड़े होकर आप संबोधित कर सकते हैं। उद्यान में पंडित जी की स्मृतियों और विचारों के साथ साथ बैठने की भी अच्छी सुविधा है, जहां पर आप चाय और नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। यहां पर एक परमहंस नाम से कैफे भी है। पंडित जी के विचार जो कि दीवारों पर सुंदर तरीके से संग्रहित किए गए हैं। वीडियो कैसा लगा
लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।